एक आरोपी चौमिन की दुकान से बेच रहा था अवैध शराब, तो दूसरा सरकारी शौचालय से चला रहा था शराब का अवैध कारोबार। दोनों आरोपी को मधुपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुपुर पुलिस ने लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर अलग अलग इलाकों में छापामारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। वहीं इस कारोबार में शामिल पथरोल और मधुपुर थाना क्षेत्रों से दो आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ सुमित सौरभ लकड़ा के निर्देश पर पाथरोल के कजरा मोड़ और मधुपुर के स्टेशन रोड स्थित एक सरकारी शौचालय के पास से पुलिस ने सर्च के दौरान केन बियर और शराब की बोतलें बरामद की है। कुर्मिडी बाराबाद निवासी आरोपी कारू यादव चौमिन के दुकान में केन बियर और शराब के साथ पकड़ाया है, जबकि डंगालपाड़ा निवासी राजन यादव सरकारी शौचालय में शराब छिपा कर रखा था। पुलिस ने राजन यादव के पास से अवैध शराब के अलावा एक मोबाइल, एक बाइक और नगद 2,000 रुपए भी बरामद की है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस लगातार तत्पर है कि शराब का अवैध व्यापार और सेल ना हो पाए, इसीलिए सभी थाना क्षेत्रों को, सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था कि अपने क्षेत्र में छापामारी अभियान कर देखे कि किस जगह इस तरह का व्यापार किया जा रहा है। तो कल शाम में मधुपुर थाना क्षेत्र और पथरौल थाना क्षेत्र में, दो थाना क्षेत्रों में दो जगह छापामारी की गई। एक कजरा मोड़ में पथरौल थाना क्षेत्र में, जहां से कारू यादव को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से करीब 15 बियर कैन और 12 पीस निप विस्की ये बरामद किया गया। ये अपने चौमिन स्टॉल में इस तरह के चौमिन के साथ साथ में दारू का व्यापार करते थे। और दूसरा है आपका मधुपुर थाना क्षेत्र में, ये सरकारी शौचालय स्टेशन रोड के पास, यहाँ पर से राजन यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भी काफ़ी मात्रा में शराब बरामद की गई। इसकी सूची जो है आप लोगों के से साझा की जाएगी और जो जब्ती है ये सामने आपके सामने रखा हुआ है।